अब मुझे मेरा करामाती कोट पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसने हम पर ये कीचड़ उछाला? कौन है? कौन है वो? जिसने हम पर कीचड़ उछालने की हिम्मत की, कौन है? हाँ, मोंटू बॉस पर कीचड़ उछाला, इट्स ओके। लेकिन हम पर कीचड़ उछाला, वेरी बैड। वेरी बैड। ओए टोपी। हम सेवपुरी खाने में मगन क्या हो गए? तूने हम पर कीचड़ उड़ाया। ए मोटू। मैंने किसी पे भी कीचड़ नहीं उछाला। लगता है बस ये भी आपकी तरह ही है, हमेशा गलती करते। बस लगता है इस बार भी इससे गलती से हम पे कीचड़ उड़ गया होगा। गलती से या जानबूझकर, लेकिन मुंह हमारा गंदा हुआ ना। ओके बॉस, वैसे भी आप ऐसे ज्यादा अच्छा दिखते। फिर भी ओए टोपी, चल हमसे माफी मांग। ओए मोटू, तू कह रहा है मैं किसी से भी माफी नहीं मांगता। लगता है बस ये आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो सबसे माफी मांगते ही रहते हो। ओए टोपी, ठीक से सुन, चुपचाप हमसे माफी मांग। लो कर दी ना गधे जैसी बात। मतलब बस चुपचाप कैसे माफी मांगेंगे? ओ टोपी, चुपचाप माफी मत मांग, बोल कर माफी मांग, पर माफी मांग, वरना वरना क्या मोटो? वरना क्या बोल मोटो? वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इन्हें जादू से जिंदगी भर के लिए गधा बना दूं, लेकिन ऐसा करने पे बालवीर और परियों को मेरे यहाँ होने का पता लग सकता है, और करामती कोर्ट मिलने से पहले मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। आ गया। कौन? बल्लू? नहीं, चांस आ गया। बोलो, यहाँ बल्लू के टेंशन में बैठे और रॉकी छास पे छास पिए जा रहा है। दादाजी अब टेंशन मत लीजिए, बल्लू हमेशा तो ऐसे अपने चाचा के यहाँ जाता है और वापस आ जाता है। और हर बार देरी से आता है। लगता है बल्लू आ गया है, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। कहाँ था तू? अरे पड़ोस के घर में चिट्ठी दे रहा था। तू कौन है? मैं बाहर से तो पोस्टमैन ही हूँ, लेकिन अंदर हूँ सलमान खान। भाई चिट्ठी दे और जा। सलमान खान, सलमान खान, समझते हैं अपने आप को। आ गया, लगता है बल्लू आ गया। आजा, आजकल कहाँ रहता है तू? मैं तो शुरू से ही बोरीवली में रहता हूँ अंकल। बोरीवली? कौन है तू? सेल्समैन। अगरबत्ती चाहिए? नहीं, बल्लू चाहिए। है बल्लू? नहीं है। आ तो जाना भाई, तू चाहिए वो आता नहीं। भाई एक बार बोला ना नहीं चाहिए। दादाजी आपको बल्लू घर में नहीं चाहिए? अरे बल्लू, बल्लू बेटा तू आ गया। अरे आजा बेटा, आजा आजा, अंदर आजा, चल चल, हम तो कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। लो आ गया बल्लू। आजा 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 बल्लू। ये कब से हम नाश्ते में तेरी राह देख रहे थे। बल्लू, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ढोकले बनाए, बस 5 मिनट, चटनी ही बना रही हूँ। हाँ ढोकला ले, ढोकला ले, ढोकले। आ गया माँ का लाडला। रॉकी अब तू खोल। अच्छा ये ले। अरे डिब्बा नहीं, दरवाजा खोल। एक काम करता हूँ, मैं ही खोल देता हूँ। दरवाजा? अच्छा दरवाजा ले। कौन है? हाँ जी बोलो भाई। अमृतलाल डगली। अरे कमाल है, मैं भी अमृतलाल डगली। नहीं नहीं, मैं अपना नाम बता नहीं रहा हूँ,
बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ। क्या है, सुबह में एक लेडी मेरे रिक्शे में बैठी और वो ये लिफाफा भूल गई। इसमें आपका नाम लिखा हुआ था, यही आसपास आपका पता पूछते हुए ये आपको देने आ गया। ओ, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ये लिफाफा तो मगन भाई के पैसे वाला लिफाफा है जो मैंने बहू को दिया था, और बहू घर में भूल गई थी जो मैंने अपने कमरे में रख दिया था। तो फिर ये लिफाफा ये रिक्शा वाले के पास कैसे आया? चेक करता हूं मेरे कमरे में लिफाफा है या नहीं। सुधा भाई, हमेशा की तरह इस बार भी ढोकले बहुत बढ़िया बने, सिर्फ इसमें नमक जरा कम है। ना पड़ेगा, दोनों लिफाफे एक सरी के। ये लिफाफा यहां कैसे आया? बापू जी, वो लिफाफा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। दोनों लिफाफे एक सरीके? यानी नोट चेक करता हूँ, नोट चेक करता हूँ। इसमें भी हजार की, इसमें भी हजार हजार की नोट है। देखने दो, चलो। दोनों के ऊपर मेरे हाथों की लिखा हुआ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्यों बांध रहे हो? मैंगो मैंगो खोलो, चल मैंगो मैंगो बोलो मुझे। चुप कर, नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। सॉरी। अरे बॉस, सॉरी आपको नहीं, इन्हें कहना चाहिए। ओ हाँ, ओए टोपी, ठीक है आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू हमसे माफी मांग रहा है या नहीं? नहीं मोटो। तो एक काम कर, नारियल के झाड़ पे तू मैंगो लटका ले, समझा? सब लोग सुन लो, अगर किसी ने इस मैंगो को खोला तो पप्पा से कहकर जिंदगी भर के लिए लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। और अब मुंह मत देखते रहो, 5 मिनट में जगह खाली करो, वरना समझ गए होगे तुम लोग। चलो रोहित केवल, खोलो मुझे, ऑटो खोल। मैंगो चुप, तो कैंबो को मैंगो को बांधा तुम लोग ने, खोलो ऑटो खोल मुझे, मैं वो कैंबो को मैंगो खोल। अब यहां से कैसे निकलो? अगर बालवीर और परियों ने मुझे यहां देख लिया तो लोग बड़ी आसानी से मुझे कैद कर लेंगे। ये देखो बापूजी, ये तो वही लिफाफा है जिसमें आपने मगन भाई को देने के लिए पैसे रखे थे। पर वो लिफाफा तो एक था, दो कैसे हो गए? लगता है बापूजी को पहले ही से पता था कि भाभी एक लिफाफा घुमा देंगी, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा बना दिया होगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा लिफाफा नहीं बनाया, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा लिफाफा आया कहां से, और उसके ऊपर भी मेरे ही हस्ताक्षर है। बापूजी, दूसरा लिफाफा आपको कहाँ से मिला? रिक्शा वाला देखे गया, उसने कहा कि आपकी बहू रिक्शा में भूल गई थी। नहीं, मैं सोचूं जब मैं आपके कमरे में आई नहीं तो पैसे से भरा हुआ लिफाफा वहाँ कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरह के दो लिफाफे और दुगनी रकम हमारे घर में आए कैसे? प्रैक्टिकल कुछ से दादाजी, मैं बताती हूँ दादाजी, ये पैसे आए कहाँ से? दूसरा पैसों से भरा लिफाफा हमने ही आपके कमरे में रखा था। मेहर, ये मजाक का समय नहीं है। पापा, मेहर मजाक नहीं कर रही है, यही सच है। पर मानो मेहर, तुम दोनों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? पापा के मैजिकल रेड कोट से।
मानो मेहर करामती कोर्ट की तो बात नहीं कर रहे। समझ गया, जरूर स्मिता ने पैसे बचा बचा कर उस कोर्ट में रखे होंगे। क्यों सीता, सही है ना? अरे नहीं बाबा, मैंने कोई पैसे उस कोर्ट में नहीं रखे थे। हाँ पापा, माँ सही कह रही है, माँ ने पैसे नहीं रखे थे बल्कि उस कोर्ट में अपने आप पैसे आ गए थे। हाँ पापा, आपने हमें बताया नहीं कि आपका कोर्ट मैजिकल कोर्ट है, उसमें जो भी विश लिख कर डालो वो सारे विशेष पूरी हो जाती है। मानो मेहर तो करामती कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन करामती कोर्ट तो मुगे मुगो मेंगो के पास होना चाहिए था, वो कोर्ट इनके पास कैसे आया? बेटा ऐसा मैजिकल कोर्ट कोई होता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा सच बताओ और ये कहानियां बनाना बंद करो। दादाजी हम कहानियां नहीं बना रहे, सचमुच में पापा का कोर्ट मैजिकल है। हाँ मैं बताती हूँ। ये हो ही नहीं सकता। बेटा अभी भी कह रहा हूँ, सच सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अगर ये करामती कोर्ट मानो महल के पास है तो मुझे वो कोर्ट जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना है। अब दादाजी मानो महर बोल रहे हैं तो हमें उस कोर्ट की एक बार जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, हो जाने दो, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन मोटा भाई लिफाफे में तो पैसे देना, तो फिर दूध और पानी कैसे निकलेगा? महेश रॉकी सॉरी, अभी वो कोर्ट कहाँ है? जी हमारे कमरे में। चलो जी, मानो महर के रूम में पहुंचने से पहले हम उस रूम में पहुंच जाते और वहां से मैजिकल को चुरा लेते। चलो बेवकूफ कहीं के, जाओ गेट पे जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा है ना। मिल गया मेरा मैजिकल कोट, हम अभी उसे लेकर आते हैं। चल चल। एक मिनट बच्चों, अभी तो हमें पता नहीं है तुम ये बात सच कह रहे हो या झूठ, पर अगर ये बात झूठ निकली तो एक बात याद रखना कि आज के बाद हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे। ठीक है। बड़ा मजा आ रहा है इस कोट को दोबारा पहनने के बाद। जब डंडे पड़ेंगे ना तो और भी मजा आएगा। बस आते होंगे। अरे आते होंगे नहीं, आ रहे हैं। भागो! ये देखो, मैं तो घर से तय कर कर ही आया था, मैं इसे अपने घर लेकर ही जाऊंगा। अरे बॉस अब डायलॉग बाजी बंद करो और जल्दी लिखो। लिखो? हाँ। इस करामती कोर्ट जैसा एक और रेड कोट आ जाए और हम तीनों यहाँ से छू मंतर हो जाए। जल्दी बॉस जल्दी। हाँ। ये रहा मैजिकल कोट, अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे थे। चल चल। अब ये मैजिकल कोट मेरे पास है, मानो मैं अपनी मम्मी पापा से साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास ये मैजिकल कोट था और जो पैसे थे इसी कोट से आए थे। मानो मेहर के मम्मी पापा अब उन्हें झूठा समझेंगे और उन्हें बड़ी आसी पनिशमेंट देंगे। हम अभी आपको दिखाते हैं कि हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। माना चिट पे लिख कि हमें चॉकलेट चाहिए। हम सबके लिए चॉकलेट आ जाए। देखना आप सब कि कैसे इस कोर्ट से चॉकलेट्स निकलेंगे। चेक करना।
अरे स्कूल की जेब में से तो चॉकलेट बाहर नहीं आ रहे। मानो मेहर, तुमने हमसे झूठ बोला। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे दादाजी। मानव महर, तुम लोग अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये तो शर्म आ रही है, तुम लोग पहली बार हमसे झूठ बोल रहे हो। सच्ची पापा, हमने इसी कोर्ट से निकाले थे पैसे। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए। अगर ये असली करामाती कोर्ट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा। मानव महर, तुम दोनों एक और बार कोशिश करो, हो सकता है इस बार इसका जादू काम कर जाए। हाँ, हो सकता है, इतने लोगों को देख कर डर गया होगा वो। मुझे क्रिकेट बॉल चाहिए। अब देखना क्रिकेट बॉल चेक कर। ये क्या हो रहा है मानो? और कितना झूठ बोलोगे मानो मेहर? तुम लोग ये भूल चुके हो कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं पापा, सचमुच में ये कोर्ट मैजिकल है। उठो, जागो मैजिकल कोर्ट। अगर तुम मैजिक नहीं करोगे तो फिर सब हमें झूठा समझेंगे। प्लीज मैजिकल कोर्ट, प्लीज। बस बहुत हो गया। अभी भी कहता हूँ कि सच सच बता दो कि ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य झूठ बोले। आज तुमने हमारा सच्चाई और संस्कारों पर का विश्वास तोड़ दिया है बच्चों। पापा, मैं सच कह रहा हूं। रोकी चाचू, आप तो मानिए ना, प्लीज। मां, हम सच कह रहे हैं, ये सचमुच में मैजिकल कोर्ट है। दस मानव और झूठ मत बोलो, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों को झूठ सुनने की आदत नहीं है। लेकिन दादाजी, ये मैजिकल कोर्ट है, मैं साबित कर सकता हूँ। क्योंकि इस कोर्ट की एक और खासियत है, इसे जो भी पहनते हैं ये उसके साइज का हो जाता है। हाँ। ये ले, ये ले। हो रहा है ये कोट तो छोटा भी नहीं हो रहा। दस बहुत हो गया, अब एक शब्द भी झूठ सुनना नहीं चाहता हूं मैं। आज तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और इसकी सजा ये है कि आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद और खेलना भी बंद। और स्कूल जाना भी बंद। वैसे शिक्षक किस काम की जिसे ये अपना ही ना सकते हो। बाबूजी, हम सच कह रहे हैं। हाँ, ये सचमुच में मैजिकल कोर्ट है। कोई माने या ना माने, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो मानव है, वरना तुम्हें इस करामाती कोर्ट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होता। और मैं तुम्हारा ये सच सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि अगर ये करामाती कोर्ट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई साहब, बोला क्या जाला? ये खोलिए ना, कुछ शैतान बच्चों ने मुझे बांध दिया। जल्दी जल्दी खोलिए। हाँ, खोलता हूँ। बड़े शैतान बच्चे थे, एक बार रस्सी खुल जाना फिर उन्हें बताऊंगा कि वो कैंपो को मैं को क्या चीज है। शुक्रिया, आपने मुझे चला गया। चमत्कार, नमस्कार। अब मुझे चलना चाहिए अपने करामाती कोर्ट को ढूंढने।